हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज देखिए मैं कैसे तैयार हुई हूँ, और प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ डाठू में। आज हमारे गांव में आ रहे हैं देवता जी, क्योंकि आज है जठंजवे और आज का मौसम ना यार बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सुबह सुबह थोड़ी बारिश भी हो रही थी, अभी तो रुक गई है, अभी देवता जी नहीं पहुँचे। और आज मैं गौच भी डालूँगी, गौच डालने मैंने इसमें गौच ले लिया है ये देखिए। और अब जो है मैं ढूंढूंगी गौच डालने के लिए बेखल, एक डंडी होती है बेखल मतलब झाड़ी होती है, उससे डालते हैं गौच। तो आज के व्लॉग में आप बने रहिए लास्ट तक और देखिए कि जठंजवे में क्या होता है, किस तरह से जो है जठंजवे मनाई जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था बेखल, तो यहाँ देखिए मुझे मिल गई है बेखल, ये होती है बेखल। और मैंने ये तोड़ दिया कि देखिए इस तरह का जो ये होता है, ये होती है बेखल। तो चलिए चलती हूँ और मिलती हूँ टिक्कर पहुँच के। और तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ टिक्कर, देखिए। और मेरा डाठू जो है ठीक नहीं है, ठीक करती हूँ। धूप है बहुत अच्छी, ठीक के बजाय मैं और ख़राब कर रही हूँ, अब थोड़ा ठीक है। तो अब जो है जाती हूँ अंदर, और जब देवता जी आएंगे तो मैं गौच डालने जाऊँगी, तब मिलती हूँ आप लोगों से। तो हम लोग चल पड़े हैं गौच डालने के लिए। तो देखिए ये ग्लास लिख कर नमस्ते जी, ठीक है। हेलो करो, हेलो, ये वीडियो बन रही है, हाँ पता है मेरे को, हेलो करो मेरे वीडियो बन रही। अभी तो आवाज़ नहीं आ रही कि देवता जी आ गए हैं, देखते हैं ज़रा कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे हैं। और हम यहाँ तक आ गए पहले ही, क्योंकि अगर बाद में लेट हो गए तो जल्दी आ गए। तो देखते हैं अभी कब तक पहुँचते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने लोग, क्या पता मैं ये गौच गिराते हुए वीडियो ना ले पाऊँ। अगर मैं ले पाई तो मैं ज़रूर लूँगी, अगर ना भी ले पाई तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो अच्छी ठीक है ना से रास्ता, कहाँ से? अच्छा फिर यहाँ से जाना ऊपर। तो आवाज़ तो आ रही है, शायद पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ, तो ये देखिए यहाँ से लोकेशन, चाची का खेत भी दिख रहा है यहाँ पे नीचे, और यहाँ से चिक्खड़ भी दिखता है, ये देखो ये रहा चिक्खड़, और ये है व्यू। मुझे नहीं लगता कि मैं वीडियो बना पाऊँगी जल्दी जल्दी में, तो चलो जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे चौंरे के पास तभी मिलते हैं, मैं आपको तभी वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो दिखाऊँगी, ठीक है। चलो अगर हो पाया तो मैं ट्राई करूँगी। तो ठीक है, चाची बोल रही कि मैं बना दूँगी वीडियो, पर देखते हैं ज़रा क्या होता है। हेलो दीदी, आज क्या हो गया? हेलो,
यहाँ पे सभी लोग चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है जी, नमस्ते मैम। अभी भी बॉडी को अब ये देखो नगाड़े और यहाँ से आप सोच लोगे क्या हो रहा है। यहाँ से जो है लोगों को वो ढिल्ली में भेज रहे हैं सबके घर, मतलब दो दो तीन तीन लोगों को सबके घर ढिल्ली में। तो अब यहाँ से देखो हमारा घर दिख रहा है कि हमारे घर जो लोग जा रहे हैं। तो जी अभी सारे लोग बैठे हैं रूम में और उनको दे रहे हैं ये देखो कोल्ड ड्रिंक, और ये पीछे भी लोग बैठे हैं इनको भी दे दिया है। मैं भी अब पी रही हूँ और उसके बाद जो है खाना देना स्टार्ट करेंगे लोगों को, फिर इसके बाद देंगे खाना। हाँ जी, इसके बाद लोगों को खाना देंगे और मैं तब आपको बताऊँगी कि क्या क्या बनाया खाने में। और बहुत सारे लोग हैं अभी यहाँ पे, अभी आपको मैं दिखा नहीं पाई, मैं आपको तब दिखाऊंगी जब खाना खाने लोग बैठेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए पानी दे रही हूँ, हाथ धुला रही हूँ मैं इन लोगों के। तो अब देखिए यहाँ पे सभी लोग जो है खाना खा रहे हैं। देखो आप देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है यार। मैं तो जा रही हूँ, अब शायद देवता जी वापस जा रहे हैं, तो वापस के लिए भी गांव चढ़ाने जाना पड़ता है आधे तक। तो मतलब जाती हूँ, अभी मैंने खाना नहीं खाया, वापस आके खाएँगे और मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊँगी क्या क्या होता है इसमें जो में। फिर तो आप थोड़ा थोड़ी क्लिप्स देख के भी समझ जाओगे। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ। देखो बारिश कितनी जोर से हो रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई थी और हम पेड़ के नीचे रुक के बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। हो रही थी बहुत ज़्यादा और मैं चली सबसे आगे और पीछे ये सारे लोग और देवता जी। ठीक नहीं होश वीडियो बन दे बाद गाँव बिहान न देखे। के देखिए जी वापस चले गए लोग और अब हम चले यहाँ से वापस। वीडियो तो जी अब आ गई हूँ वापस, देवता जी भी चले गए हैं और अब जाती हूँ खाना खाने और बताती हूँ कि खाने में क्या क्या बना है और कैसा बना है। तो सब लोगों ने खा लिया है खाना, मैं ही बची हूँ, तो अब मैं भी खाती हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हो राजमा चावल, पनीर और रायता सैलेड। देखिए रायता, पनीर और दाल चावल। अब मैं बताती हूँ कैसा बना है खाना। पहले पनीर खाते हैं, मटर पनीर बहुत ज़्यादा यम्मी है यार। अब राजमा, राजमा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, रायता टेस्ट करती हूँ। तो मैं बाकी अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी है यार खाना बना। तो चलिए अब मैं खाती हूँ खाना और आपने देख लिया है क्या क्या बना है। राजमा पनीर, मटर पनीर और रायता बना है। मिलती हूँ खाना खाने के बाद। तो फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ। तो जो है जो ठंडी ख़त्म हो गई है, उसमें क्या होता है कि सिड्डू बनाते हैं आज, पर हम लोग नहीं बनाते अभी। तो फिर सिड्डू बना के ले जाते हैं, देवता जी आते हैं गांव में। और फिर जो आज खाना बनता है वो तब तक कोई खाना नहीं खाता घर का मेंबर, जब तक जो देवता के साथ लोग आते हैं उन लोगों को ना दे, क्योंकि ठीला देते हैं आज हम लोग। और बस इतना सा था इस फंक्शन में, जठन जुमे में यही होता है। और जो मैंने जो खाना सबसे लास्ट में खाया, और मैं जो फैमिली की हेड, क्योंकि कहा जाता है कि जो सबसे लास्ट में खाना खाता है, मतलब जो हेड होता है घर का वो सबसे लास्ट में खाना खाता है, तो इसलिए मैं हूँ अपने घर की हेड। और मैं किसी से भी घर में डरती नहीं हूँ, सारे मुझसे डरते हैं, ये तो फनी बात है, पर मैं किसी से नहीं डरती, ये सही बात है। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर किसी को वीडियो मेरी अच्छी ना लगे तो वो सब अनसब्सक्राइब भी कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुना है कि वीडियो अच्छी नहीं होती, ऐसा होता है वैसा होता है, और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो अनसब्सक्राइब कर सकता है मेरे चैनल को। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतनी बोलूँगी। टाटा, बाय बाय।